अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम। आप तमाम दोस्तों को एक और नई वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों इस वक्त अब मैं अपने खेत में हूं, अपने घर से बहुत दूर हूं, खेत आया हूं घूमने के लिए। अभी मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाने वाला हूं, जो कि गांव देहात में इस तरह का सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को सिटी से देख रहे हैं, सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अभी मैं आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना जो है आगे पीछे का सीन दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये है मकई की खेती। आप लोगों को जो यहाँ पर हरा हरा पौधा नज़र आ रहा होगा, ये मकई की खेती है, जो कि अभी जो है मकई का पौधा अभी छोटा छोटा पौधा है। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये नाली, ये सरकारी नाली है, सरकारी जो इस पर पानी आता है। और ये है गेहूं की खेती। और वहाँ पे जो आप लोगों की बड़ी जो है रोड की तरह नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं खेत से उभरा जो नज़र आ रहा होगा, ये नहर है। और उसी नहर से ये पानी आता है, और ये पानी आता है इधर से, ये नाली जो आप देख रहे हैं आगे जा करके इस नहर में ज्वाइंट हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे जो मैं बताया हूँ कि दिखाने वाला हूँ, तो वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप लोगों को गन्ने का यहाँ पर खेत नज़र आ रहा होगा, ये है गन्ने का खेत। गन्ने का यहाँ पर कटाई का काम हो रहा है। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाने वाला हूँ, अभी मैं दूर में हूँ उन लोगों से, तो मैं चलिए नज़दीक जाकर दिखाता हूँ कि गन्ने की कटाई किस तरह होती है, और ताज़ा ताज़ा फ्रेश गन्ना हम खा करके भी दिखाएंगे आप लोगों को। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को इस तरह की वीडियो देखने को कम ही मिलेगी, बल्कि इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए गांव देहात में जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस नाली को यहाँ पर क्रॉस कर लेता हूँ सबसे पहले, ऐसा ना हो कि मैं नाली ही में गिर जाऊँ, थोड़ा मोबाइल को बचाना पड़ेगा। मैं नाली के इस पार आ चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ गन्ने के खेत की तरफ। ये है गन्ने की खेती। साइड साइड से आप लोगों को इस तरह नज़र आ रहा होगा, क्योंकि साइड साइड से जानवर और घुस करके इसको ख़राब कर देते हैं साइड साइड से, जबकि बीच में अगर जाएंगे तो आपको अच्छा गन्ना देखने को मिलेगा। और ये भाई लोग हैं गन्ना काटने वाले। कहाँ आप लोग का घर? सरलाही। सरलाही में घर हुआ? अच्छा, आप गुज़श्ता साल जो है आप ही लोग आए थे गन्ना काटने के लिए। क्या नाम हुआ आप लोग का? रघुवंश। रघुवंश। आपका क्या नाम हुआ? कैलाश। आपका? रामनंदन। अच्छा, तो हर साल आप लोग गन्ना के लिए काटने के लिए इधर आते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुज़श्ता साल जो आप लोगों के साथ वीडियो बनाए थे, वो वीडियो भी शायद फेसबुक पर कहीं पे घूम रहा होगा। सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक ठाक। रात में कहाँ रहते हैं आप लोग? रात को घर पर रहते हैं। अच्छा, उसी घर पर रहते हैं, दिन भर फिर इधर आते हैं काम करने के लिए। अच्छा ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है गन्ना काट काट करके ये लोग यहाँ पे रख रहे हैं बांध करके। इसके बाद ट्रैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं आगे में, यहाँ पे आप लोग ट्रैक्टर की टोली नज़र आ रही होगी, ये ट्रैक्टर की टोली है, इस पर गन्ना लोड होकर के मिल जाता है। थोड़ा अच्छा गन्ना किधर मिलेगा, थोड़ा बहुत बताइए तो। गन्ना खाने में कोई दिक्कत नहीं ना है? मालिक मना नहीं करता है? अच्छा अच्छा, नहीं मालिक अगर मना करेगा तो नहीं लेंगे तब तो। ये भाई हैं, देख सकते हैं, मुझको बोल रहे हैं कि ये गन्ना लीजिए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक अच्छा सा गन्ना मेरे लिए तैयार करके रखा है। आपका क्या नाम हुआ? राम नारायण। राम नारायण। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो इतने आप लोग इतनी दूर से आकर के। सब लोग का घर सरलाही हुआ? हम लोग का सरलाही में। अच्छा चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, दोस्तों हम चल दिए हैं घर की तरफ, शाम होने वाली है,
ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सूरज डूबने के करीब है। टाइम हो गया है 5:36 और 25-20 मिनट के अंदर अंदर में मगरिब की अजान होने वाली है। यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं एक हमारे गांव के एक आदमी हैं जो कि गेहूं का खेती पटाने सिंचाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हम घर आ चुके हैं और यहाँ पर गन्ना कटिंग करने के बाद में इसका हम अब खाने काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये खाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग गन्ना का जूस पीते होंगे तो उस टाइम पता चलता होगा। आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो देखने में आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में भी इस तरह गन्ना खाने का मज़ा लिया है या नहीं लिया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।